गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वेल। एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्ट द चैप्टर 3, हाउ मच कैन यू कैन। नाउ कंटिन्यू द चैप्टर, हाउ मच कैन सिमरन कैन। सिमरन कितना कैरी कर सकती है? सिमरन्स फादर नीड्स टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। सिमरन के जो पिताजी हैं, कुछ चीज़ों को हाउस के घर के स्टोर रूम से किचन में ले जाना चाहते हैं, या उन्हें आवश्यकता पड़ी है उन चीज़ों को कहाँ से स्टोर रूम से किचन तक ले जाने में। सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर। सिमरन अपने पापा की क्या करना चाह रही है? हेल्प। बच्चों, आप अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हो ना, तो वैसे ही सिमरन भी उन चीज़ों को स्टोर रूम से किचन तक ले जाने में अपने पापा की क्या करना चाह रही है? हेल्प करना चाह रही है। अब यहाँ से देखो पिक्चर के अंदर, आप देखो ये जो सिमरन है वो आप जैसी छोटी बच्ची है, यहाँ से वो 1 kg साल्ट उठा रही है। और भी चीज़ें हैं, क्या क्या की चीज़ें हैं? 2 kg शुगर है, 2 kg दाल है, 1 kg घी है, 2 kg कुकिंग ऑयल है, 5 kg आटा है, 5 kg राइस है, और भारी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब सिमरन क्या उठा रही है? 1 kg साल्ट। अब छोटी बच्ची है, थोड़ा ही वेट उठा पाएगी, तो वो 1 kg साल्ट उठा सकती है, और क्या उठा सकती है? 1 kg घी उठा सकती है। ठीक है, अब है आगे गैस विच बैग्स कैन सिमरन कैन कैरी। अब बताओ सिमरन कौन सा बैग कैरी कर सकते हैं, कौन कौन से बैग्स कैरी कर सकते हैं। अब सिमरन है, छोटी बच्ची है, क्या उठा रही थी वो? 1 kg साल्ट। तो वो 1 kg साल्ट और एंड 1 kg घी, इतना ही उठा सकती हो। ओके, अब है आगे गैस हु कैन कैरी व्हाट। अब बताओ कि कौन कितना उठा सकता है? उसके पापा, हर फादर, उसके पापा। अब उसके फादर हैं जो, आप बताओ, आपके घर में जो पापा होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं पापा, तो वो आराम से भारी चीज़ें उठा सकते हैं, जो हैवी वेट हैं उनको उठा सकते हैं। तो उसके पापा क्या उठा सकते हैं भाई? 5 kg आटा एंड 5 kg राइस, इनको उठा सकते हैं। अब है हर मदर, उसकी मम्मी, जो मम्मी है वो पापा के कंपैरिजन में थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग होती है, तो मम्मी क्या क्या उठा सकती है स्टोर रूम से? 2 kg शुगर, 2 kg दाल एंड ऑयल। ओके, अब है हर यंगर सिस्टर, अब उसकी छोटी बहन, छोटी तो बहुत छोटी है, वो तो क्या है भाई, वो तो कुछ नहीं उठा सकती, तो सी कैन नॉट कैरी एनीथिंग। आपके भी छोटे बहन भाई होते हैं, क्या वो उठा पाते हैं? नहीं ना, वो छोटे बच्चे हैं, वो नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, अब है कैन सिमरन कैरी एनी टू ऑफ दीज बैग्स टुगेदर। क्या सिमरन इनमें से कोई भी दो बैगों को एक साथ उठा सकती है? इफ़ यस विच वंस, अगर हाँ उठा सकती है तो कौन कौन से, बताओ बच्चों कौन कौन से बैग्स उठा सकते हैं? एक तो साल्ट वाला उठा सकती है, और दूसरा घी का कंटेनर साथ में उठा सकती है। विच बैग्स कैन यू कैरी एंड गैस, अब आप कौन कौन से बैग्स को कैरी कर सकते हो और बताओ, आप क्या उठा सकते हो? साल्ट उठा सकते हो, घी उठा सकते हो, आप शुगर भी उठा लोगे, स्ट्रॉन्ग पर्सन हो ना। ठीक है, 2 kg शुगर, 2 kg दाल, ये चीज़ें आप उठा सकते हैं। नाउ अब देखो ये आंट चीटी क्या बोल रही है, आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। मैं एक शुगर का ग्रेन क्रिस्टल, छोटे छोटे स्क्वायर क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो मैं एक शुगर का दाना उठा सकती हूँ जो कि मेरे से बड़ा है। आप भी उठा सकते हो, कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है तो अपने से भारी चीज़ भी उठा पाता है। मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स विद द थिंग्स इट कैन कैरी। अब पिक्चर्स को मैच करना है जो चीज़ें वो उठा सकते हैं।
अब यहाँ पे एनिमल्स दे रखे हैं आपको, एनिमल किसका, बर्ड दे रखा है, एलिफेंट दे रखा है, डोंकी दे रखा है और डॉग दे रखा है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं, बॉल, सुगर का जो कह सकते हैं बोरा, लॉक्स ऑफ फूड, लकड़ियों का गट्ठा और लीफ। अब देखो बर्ड है, बहुत छोटा सा पक्षी है, छोटा एनिमल है, तो छोटी चीज़ उठा पाएगा, तो जो बर्ड है वो क्या उठा सकता है, लीफ। दूसरा है एलिफेंट, एलिफेंट जो होता है वो स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है, तो वो क्या है, लकड़ियों का गट्ठा उठा सकते हैं, तो एलिफेंट जो है लॉक्स ऑफ फूड। डोंकी है, क्या है डोंकी, अभी जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो डोंकी था, तो क्या साल्ट ऑफ सेक्स उठा, सेक्स ऑफ साल्ट उठा रहा था ना, साल्ट की बोरियाँ उठा रहा था, तो ये क्या है, चीनी का बोरा उठा सकता है, तो ये सुगर। और बाकी लास्ट जो है डॉग है वो क्या उठा सकता है, बॉल, और इसको बॉल से खेलना बहुत पसंद है। बच्चों समझ में आया, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, थैंक यू।